गाइज़ वेलकम बैक टू एम्पलीफायर कनेक्शन तो गाइज़ कैसे हो और आज है अपने पास एक इंटेक्स का जो होम थिएटर होता है इंटेक्स वाला तो उसके यहाँ पे देख लो पार्ट्स निकाले हुए हैं सारे के सारे तो सारे के सारे के मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखो इसमें मतलब बहुत ही कम पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर एक अपना रहता है बोर्ड एक रहता है ट्रांसफॉर्मर और एक रहता है वूफर बाकी जो स्पीकर होते हैं साथ में वो अलग से लगते हैं आप लोगों को पता ही है लेकिन जो ये वूफर होता है ये इसके अंदर इनबिल्ट ही रहता है ठीक है होम थिएटर के अंदर तो इसके अंदर क्या क्या है कौन सी वायर कहाँ पे लगती है और किस तरीके से काम करता है वो सारी की सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम जानेंगे तो भाई जो नए बंदे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक तो करना ही है अगर अच्छी लगे तो तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके सर्किट की तो जो सर्किट है वो काफ़ी अच्छा है और इसके अंदर जो आईसी यूज हुई है वो अपनी पी डी ए बीस तीस की जो आई सी होती हैं वो इसके अंदर यूज करी गई है और आप लोगों को पता ही है कि जो बीस तीस आई सी होती है ये हमारी डबल सप्लाई पे काम करती है तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी ये जो पावर सेक्शन है पावर सप्लाई का जो ये सेक्शन है पूरा का पूरा तो यहाँ पे ये अपनी डबल सप्लाई बनी हुई है और डबल सप्लाई का मेरा मतलब है कि जैसे जीरो बारह होती है वो सिंगल सप्लाई होती है और बारह जीरो बारह जो होती है वो हमारी डबल सप्लाई होती है और यहाँ पे इनपुट आउटपुट के लिए यहाँ पे देख सकते हो कनेक्टर्स लगे हुए हैं ये जो कनेक्टर है ये है हमारा ट्रांसफॉर्मर के लिए ये हमारा एल के लिए है इधर ये देख सकते हो ये इनपुट के लिए है और ये है जो ये अपना जो पोटेंशियोमीटर होता है वोफर के लिए यहाँ पे फ्रिक्वेंसियाँ कंट्रोल करने के लिए ये यहाँ पे लगा हुआ है या फिर मतलब एक सिंगल ही यहाँ पे लगेगा या फिर आप बोल सकते हो कि जो वूफर की जो साउंड है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये यह 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 कनेक्टर लगा हुआ है और एक ये यहाँ पे ये जो वायर है ये जो कनेक्टर है ये हमारा वोफर की जो आउटपुट है उसके लिए यहाँ पर लगा हुआ है ठीक है तो अभी बात करेंगे हम इसकी जो स्पीकर्स हैं स्पीकर्स देख सकते हो स्पीकर्स के लिए ये वायर यहाँ पे लगी हुई है जिसके अंदर की जो एक वायर है वो हमारी कॉमन है यानी कि ग्राउंड रहेगी और बाकी जो लेफ़्ट राइट इसके अंदर मतलब ये पैरेलल या सीरीज़ करके इनको चार स्पीकर हम इसके अंदर लगा सकते हैं ठीक है पैरल और सीरीज़ करके तो वो इन्होंने देखा नहीं है मैंने सर्किट अभी कि किस तरीके से पैरल किया या सीरीज़ किया है इन्होंने रेजिस्टेंस वगैरह लगा के जो आउटपुट है आई की उसको डिवाइड किया गया है ठीक है तो अभी देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं सारी की सारी आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा मैं तो इसके अंदर एक ये चीज़ लगी है जो कि मान लो आप नए हो और आप देख रहे हो, होम थिएटर को खुद से रिपेयर करना सोच रहे हो तो एक ये चीज़ आप लोगों को दिख रही होगी तो इसको देख के आपको लग रहा होगी भाई पता नहीं क्या चीज़ है तो ये कोई खास मोटी चीज़ नहीं है ये अपना इसके अंदर एक फ्यूज़ लगा हुआ है तो ये फ्यूज यहाँ पर लगा हुआ है एक जैसे कि क्या होता है कि जो फ्यूज होता है वो ज़्यादातर बाहर लगता है ठीक है लेकिन इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हो तो इसके अंदर ही फ्यूज लगाया गया है जो कि ये यह यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊँगा तो ये यह यहाँ से खुल जाएगा और इसके अंदर मेरे हिसाब से पाँच एमपेयर का फ्यूज लगा हुआ है अगर मैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो ट्रांसफार्मर यहाँ पे प्योर कॉपर का इसके अंदर लगा हुआ है और इसके अंदर देख सकते हो बा, ये बारह जीरो बारह नहीं है ये अपना इसके अंदर लगभग होता है नाइन जीरो नाइन के करीब का जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो इसके अंदर लगा रहता है क्योंकि आईसी को ऑपरेट करने के लिए बारह जीरो बारह की जो डीसी सप्लाई होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है बारह जीरो बारह ए की ज़रूरत नहीं पड़ती बट हम क्या करते हैं हम बारह जीरो बारह का ही ट्रांसफार्मर लगा देते हैं तो बस यही फ़र्क होता है कि जो कंपनी होती हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखती हैं काफ़ी मतलब ध्यान रखती हैं इन चीज़ों का कि जो आई है वो प्रॉपर वोल्ट पे ऑपरेट करे ताकि जो हीटिंग इशू है वो ना आए कभी भी और जो एक अपना एम्पलीफायर है या होम थिएटर है वो काफ़ी अच्छे दिन तक चले लॉन्ग लाइफ उसकी रहे और यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़े से इसके कनेक्टर उनेक्टर यहाँ से उखड़ गए हैं तो ये इनपुट के लिए यहाँ से आर सी ए सॉकेट के जरिए यहाँ से हम इसको इनपुट दे सकते हैं या फिर जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये जो इनपुट का अपना सेक्शन है यहाँ पे ये गया हुआ है तो ये इसकी जो साउंड है उसको कंट्रोल करने के लिए भी है या फिर हम जैसे ब्लूटूथ पैनल से अगर मान लो सामने से अगर दे रहे हैं तो उसके हिसाब किताब का ये हमारा होम थिएटर नहीं था यानी कि ये जो होम थिएटर है इसके अंदर जो ब्लूटूथ सेक्शन होता है वो नहीं है और इसके अंदर या तो हम आर सी सॉकेट के जरिए ही देख सकते हैं इनपुट को और ये जो है अपना ठीक है तो ये जो वायर थी ये इसकी जो वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लगी हुई है शायद ठीक है और अगर पावर सप्लाई की बात करूँ तो पावर सप्लाई इसके अंदर बाईस सौ वोल्ट के कैपेसिटर लगे हुए हैं दो यहाँ पर एक ये है और एक ये है ठीक है और अगर ये सेक्शन यहाँ पे देख सकते हो आई सी एल की है पैंतालीस अट्ठावन की और ये जो सेक्शन है गाइज ये है अपना स्पेशल वूफर के लिए तो ये लो पास फिल्टर यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है और ये जो लो पास फिल्टर होता है गाइज़ ये इसकी जो फ्रिक्वेंसियाँ होती हैं वो यहाँ पे देख सकते हो ये वूफर रखा हुआ है तो बिल्कुल इसकी जो वूफ़र है वो भी इंटेक्स का ही है खुद का यहाँ पे ब्रांडिंग देख सकते हो तो इन इनको पता ही होता है कि भाई जो वूफ़र है वो कितनी फ्रिक्वेंसीयों तक काम करेगा कितनी फ्रिक्वेंसीयों को ये हैंडल कर सकता है तो उसी के हिसाब से ये जो लो पास फिल्टर यहाँ पर बनाया हुआ है तो ये इसी के हिसाब से इन्होंने बनाया हुआ है और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो ये काफ़ी पुराना है और ये ऑन ऑफ़ का बटन इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो ठीक है तो ऑन ऑफ़ के लिए यहाँ पे ये एक बटन दिया गया है और अगर मैं बात करूं हीट सिंक की तो आई के हिसाब से जो हीट सिंक है वो ठीक ठाक है मतलब अच्छी है जो और होम थिएटर वगैरह होते हैं या फिर आप मार्केट से कोई भी लोकल बोर्ड लेते हो आ, ये टू पॉइंट वन इसको हम बोल सकते हैं ठीक है अगर आप ये बोर्ड लेते हो तो इसके अंदर जो हीट सिंक है वो काफ़ी पतली आप लोगों को देखने को मिलेगी लेकिन इसके अंदर भी ज़्यादा इतनी मोटी है नहीं बट मार्केट के मुकाबले काफ़ी अच्छी हीट सिंक इसके अंदर लगी हुई है और कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो कंपोनेंट्स भी आ, मेरे हिसाब से ये लोकल ही इसके अंदर लगे हुए हैं कोई खास सी कंपनी इसके अंदर लगे नहीं है बट जो इसकी साउंड थी वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी प्योर थी हालांकि ये सर्किट है जो अभी ये डेड हो चुका है तो इसके ये पेंच वगैरह हैं ये भी काफ़ी लूज पड़े हैं अभी और अगर मैं इसकी यहाँ पे ये वाली साइड की बात करूँ तो इसका जो सर्किट है वो काफ़ी देख सकते हो यहाँ पे टेनिंग वगैरह करके उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया गया है इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है सर्किट की ठीक है तो यहाँ पे जो मेन दिक्कत आती है लोगों को वो वायरिंग की ही दिक्कत रहती है कि भाई कौन सा कनेक्टर कहाँ पे लगता है इसके अंदर तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो चीज़ है ये ट्रांसफार्मर के लिए है हालांकि इसके ऊपर लिखा हुआ भी है यहाँ पे देख सकते हो ये जो चीज़ है टी एफ आर लिखा हुआ है ये ट्रांसफॉर्मर के लिए है यहाँ पे जो कि मैंने ये कनेक्टर आप लोगों को दिखाया था अभी निकाल के इसके अंदर से आ, ये वाला जो कनेक्टर है देख सकते हो ये इसके अंदर ऐसे कैसे फिट हो जाता है ये एलईडी के लिए है और ये मैंने बताया था कि ये जो वूफ़र की जो फ्रीक्वेंसी है उनको कंट्रोल करने के लिए वूफर के लिए आउटपुट है तो इस पर भी यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ आ, ये देख सकते हो वूफर यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है तो ये इस तरीके से इसका फिट हो जाता है बिल्कुल मतलब टोटली बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसकी वायरिंग कर सकते हो ठीक है बाकी ये मैंने बता ही दिए थे कि ये स्पीकर के लिए हैं तो इन पे भी आप स्पीकर अटैच करके इनको देख सकते हो कि साउंड आ रही है या नहीं आ रही है बाकी रिपेयरिंग का देखो ऐसा है कि रिपेयर करने के लिए आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जो सर्किट होता है उसको चेक करना पड़ता है कि कहाँ पे अभी देखो इसके अंदर क्या है कि ये जो वाला रजिस्टेंस है ये इसके अंदर जल चुका है तो इसको चेंज करके देखूँगा मैं इसको ये चलेगा या नहीं चलेगा बट मेरे ये किसी काम का है नहीं तो इस पर मैं फालतू टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूँ बस ये था कि आप लोग बोल रहे थे कि भाई जो इसकी वायरिंग होती है वो कौन सी कौन सी वायर कहाँ पर लगती है वो आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि भाई कहाँ पर क्या इसके कनेक्शन होते हैं ठीक है और बाकी अगर वो कुछ पूछना है आप लोगों को वो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो तो मैं रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा उधर ठीक है गाइस तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर